जो यहाँ से उस ऊपर के एंगल से वो कैमरा ऐसा लिया जाता है, जो आप वीडियो में स्क्रीन पे वीडियो जो है उस पर देख सकते हो, मैच कर सकते हो। दोस्तों एक सीन के अंदर कुछ इस प्रकार से सीन शूट किया जाता है, जो आपको सामने स्टेयर दिख रही है, जो यहाँ से वो नीचे से वो लोग आते हैं। दोस्तों कैमरा एंगल यहाँ से दिखाया जाता है, जो लोग ऊपर की तरफ आते हैं किले की तरफ, तो यहाँ से वो आते हुए दिखाया। दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में मेरा मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया था, इसके वजह से वीडियो बना नहीं पा रहा था। दोस्तों आगे से आपको हर नए मूवी का शूटिंग लोकेशन दिखाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों आज मैं आया हूँ मुंबई के साइन अवे साइन स्टेशन के 5 मिनट की दूरी पर एक साइन फोर्ड है, जहाँ पे साल 2013 को एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था आर राजकुमार। जो फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे शाहिद कपूर सर, सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद सर, जो कि फिल्म के अंदर काफ़ी आपको एक्शन ड्रामा दिखाई देगा। जो फिल्म काफ़ी हिट थी, मुझे काफ़ी पसंद आई थी, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आते हैं शाहिद कपूर सर, क्योंकि उनका हेयर स्टाइल, उनका जो फिटनेस है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। दोस्तों आज का इस वीडियो में आप लोगों को उस फिल्म का एक सीन था, जो फिल्म के अंदर काफ़ी ड्रामा किया था, जो फिल्म के अंदर शाहिद कपूर सर और आशीष विद्यार्थी जो रहते, जो शाहिद कपूर सर आशीष विद्यार्थी को एक मतलब एक किले पे बुलाते हैं, तो वहाँ पे उनको बेल्ट से मारते हैं, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा मैडम को तकलीफ देते हैं, तो उसके वजह से वो शाहिद कपूर सर उसको बेल्ट से मारते हैं। तो काफ़ी मज़े का सीन था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी दोनों ने बहुत ही अच्छा तरीके से उनका जो एक्शन था वो किया था। जो आज की वीडियो में आप लोगों को साइन किले के ऊपर जो सीन शूट किया गया था, आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो आगे चल के मैं किले के ऊपर आपको पूरा वो सीन दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो आइए वीडियो को शुरू कर दें। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे फिल्म का शूट हुआ था, तो आप ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये जो गार्डन है वो बना है, और देख सकते हो ये एक्चुअली नेचर का देन है, जो किला इस तरह से बना है। और यहाँ पे तो दोस्तों अभी मुझे यहाँ पे गार्डन पे कुछ लड़के लोग दिखे, जो उनका भी एक YouTube चैनल है, जो मेरे को आके बोले कि सर क्या आपका चैनल है, तो आप देख सकते हो। दोस्तों हाई करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई को, आगे तक पूरा लेके जाओ भाई। थैंक यू सो मच, लाइक करो भाई का 1K जल्दी से कंप्लीट करो। तो चलो दोस्तों आगे चलते किले की तरफ, जहाँ पे आप लोगों को मैं वो सीन दिखाने का कोशिश करता हूँ। मुझे यहाँ पे किले पे जो बोलने जाता है उसको किंग कोबरा वो दिखा है, जो आप देख सकते हो। पता नहीं शायद सोया है या मर गया, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये जिंदा ही रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई किसी की ज़िंदगी रहती है यार। तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मतलब अच्छी के तरीके से बैठा है यहाँ पे। तो चलो चलते आगे लोकेशन की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है मुंबई, मुंबई का बोले तो साइन है, अभी यहाँ से वो पूरा सिटी है। तो दोस्तों फिल्म का एक जो सीन रहता है, जहाँ पे शाहिद कपूर सर और आशीष विद्यार्थी जो आते हैं, जो यहाँ से उस ऊपर के एंगल से वो कैमरा ऐसा लिया जाता है, जो आप वीडियो में स्क्रीन पे वीडियो जो है उस पर देख सकते हो, मैच कर सकते हो, तो इस जगह से ऐसे वो पूरा सीन रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे शाहिद कपूर सर आशीष विद्यार्थी जो रहते हैं, यहाँ पे वो पूरा सीन लिया जाता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग आ चुकी है, लेकिन इसी जगह पे वो इसी फोर्ट के ऊपर वो सीन रिकॉर्ड किया गया था। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो, ये जो पीछे का जो टूटा हुआ दीवार है, और ये और यहाँ का जो अभी दीवार है वो अभी शायद टूट गया है, लेकिन वो भी दिख जाता, लेकिन इसी जगह पे वो पूरा सीन रिकॉर्ड किया था। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो, और कुछ सीन इस प्रकार से लिया जाता है कैमरा एंगल, जहाँ पे जो पीछे का जो सीन है वो भी दिख जाता है। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो, यहाँ पे वो खड़े रहते हैं, एक सीन के अंदर यहाँ से वो चले जाते हैं, मतलब आशीष विद्यार्थी जो यहाँ पे ये जो आपको दीवार दिख रही है यहाँ पे छुपे रहते हैं, और शाहिद कपूर सर उसको बेल्ट मार के उसको बुलाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से वो सीन शूट किया गया था, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो, इसी जगह पर वो पूरा सीन रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों एक सीन के अंदर कुछ इस प्रकार से सीन शूट किया जाता है, जो आपको सामने स्टेयर दिख रही है, जो यहाँ से वो नीचे से वो लोग आते हैं जो आशीष विद्यार्थी सर के साथ जो रहते, और यहाँ से वो
नीचे जाते हुए दिखाई देते हैं और एक एंगल नीचे। दोस्तों एक सीन कुछ इस प्रकार से शूट किया जाता है, जो ऊपर की तरफ से आशीष विद्यार्थी सर जो रहते यहाँ से वो नीचे उतरते दिखाई देते, और यहाँ से जो गुंडे रहते जो उनके साथ जो यहाँ से वो आते हैं और यहाँ पे पूछते कि साहब जी आप कहाँ थे इतने देर से, आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो इसी जगह पे ऊपर सीन रिकॉर्ड गया था, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो। जो पीछे का जो सीन है वो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से वो सीन शूट किया गया था। दोस्तों कैमरा एंगल यहाँ से दिखाया जाता है, जो लोग ऊपर की तरफ आते हैं किले की तरफ तो यहाँ से वो आते हुए दिखाई देते, और यहाँ पे वो पूरा किला है जो आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से वो सीन शूट किया गया था। दोस्तों मैंने अभी आपको आर राजकुमार फिल्म का शूटिंग लोकेशन दिखाया, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से था, और ये जो आपको किला है वो भी आपको दिखाया। जो आज की वीडियो में आप लोगों को वो सीन दिखाने का कोशिश किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दो, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। तो मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।